प्रदेश में चुनावी माहौल पूरी तरीके से बन चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी जीत का परचम लहरा सकें इसके लिए जोरों पर काम कर रही हैं। भीतर ही भीतर नेता कार्यकर्ता पार्टी को मजबूत करने के लिए मंथन कर रहे हैं। प्रदेश में लोकसभा चुनावों के लिए मुख्य मुकाबला कांग्रेस, भाजपा और इनेलो में माना जा रहा है, जिसमें से भाजपा ने अपने 6 उम्मीदवारों को लोकसभा के चुनावी मैदान में उतार दिया है। हालांकि भाजपा 4 सीटों पर, जिसमें कुरुक्षेत्र, हिसार, रोहतक और सोनीपत शामिल हैं, उन पर भाजपा की निगाह कांग्रेस द्वारा घोषित किए जाने वाले टिकटों पर टिकी हुई है, ताकि उन्हीं के हिसाब से वो भी अपने बाकी बचे 4 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर सके। इन सीटों पर जाट, सिख, वैश्य और BCA उम्मीदवारों को टिकट देने को लेकर सामंजस्य बैठाना पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होने के चलते आम आदमी पार्टी के खाते में कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट आई है, जहां से आप नेता सुशील गुप्ता चुनावी मैदान में उतर कर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। लेकिन बड़ी और अहम बात है कि कांग्रेस अभी तक अपने एक भी उम्मीदवार को नहीं चुन पाई है। हालांकि प्रदेशाध्यक्ष उदयभान का कहना है कि पार्टी 26 मार्च के बाद कभी भी बैठक कर सकती है और पार्टी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान एक साथ या फिर 2 चरणों में कर सकती है। वहीं पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि होली के बाद स्क्रीनिंग मीटिंग और CEC की बैठक होगी, इसके बाद जल्द ही प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। वहीं इनेलो ने भी अपने एक ही उम्मीदवार की घोषणा की है, जिसमें अभय सिंह चौटाला का नाम है और वो कुरुक्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरेंगे। बता दें कि प्रदेश की 10 लोकसभा सीटें, जिसमें अंबाला, करनाल, सोनीपत, रोहतक, सिरसा, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, गुरुग्राम, भिवानी, महेंद्रगढ़ और हिसार शामिल है, इन पर 6ठे चरण में यानी 25 मई को मतदान किया जाएगा, तो वही 4 जून को चुनावों का रिजल्ट आएगा। अब देखना होगा कि आखिरकार भाजपा अपने बचे हुए 4 उम्मीदवारों की और कांग्रेस कब तक अपने उम्मीदवारों की नामों की घोषणा कर सकती है। साथ ही साथ इनेलो पर भी सबकी निगाहें बनी हुई है। आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीम। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।